सो क्या मुनावर फारूकी एलबी साधु के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम लाइव वॉचिंग जो कि 5,95,000 प्लस था उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाए हैं या नहीं? सो इस बारे में आपको बता दे कि बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद मुनावर फारूकी का अपने इंस्टाग्राम पे ये पहला लाइव था जिसमें जब मैंने ज्वाइन किया था तो इनकी वॉचिंग लगभग 1,86,000 के आसपास में थी और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती गई है। हालांकि शायद यहाँ पे मुनावर फारूकी का एक्सपेक्टेशन इससे कम ही था। यस आप खुद सुनो। 50,000-60,000 लोग आ जाए तो बात शुरू करते। कितने हो गए? दो पेटी। जैसे ही इतना वॉचिंग आ गया उसके बाद मुनावर फारूकी अपना बातचीत करना शुरू कर दिए, अपने सभी चाहने वाले लोगों को थैंक्स किए, साथ ही साथ अपना ट्रॉफी भी दिखाया और उसके बाद अंकिता लोखंडे या बाकी लोगों के साथ वो कब मिलेंगे ये सभी बारे में बात किए। बताया कि 105 दिन से इन लोगों को देख रहा हूं तो इनसे बाद में मैं मिलूंगा, अभी नहीं। सो इस तरीके से ये बात कर रहे थे और इनकी वॉचिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी और लास्ट में यानी कि सबसे ज्यादा जो वॉचिंग गई है वो 3,40,000 जब मैंने देखा। इसके बाद देखा गया कि 3,40,000 वॉचिंग जाने के बाद धीरे धीरे ये वॉचिंग घटने लगे, यानी कि 3,38,000-36,000 ऐसे करके नीचे आने लगा। इसके ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मुनावर फारूकी की जो हाईएस्ट वॉचिंग थी वो 3,40,000 की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा जो एलबी साधो का वॉचिंग रिकॉर्ड था वो 5,95,000 प्लस था। इवन ये लव कटारिया के रिकॉर्ड को भी नहीं तोड़ पाए हैं जो कि 4,35,000 प्लस था। और फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलन का भी इंस्टाग्राम वॉचिंग रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ है क्योंकि उनकी वॉचिंग 3,71,000 प्लस थी। बट भले ही मुनावर फारूकी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं लेकिन 3.5 लाख यानी कि 3,40,000 की वॉचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। सो इस चीज पे आप लोग का क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना।